हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू कॉलर वर्कर के बारे में। तो चलिए गाइस फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ब्लू कॉलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जो कि फिजिकली कोई भी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो डिलीवरी बॉय, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें कि वर्कर फिजिकली इन्वॉल्व है, आप उसको ब्लू कॉलर वर्कर में इंक्लूड कर सकते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि ब्लू कॉलर कैसे हमारे डे टू डे लाइफ को इजी करने में हेल्प करते हैं। तो गाइज एक एग्जांपल लेते हैं, वो है डिलीवरी एजेंट का। तो मान के चलिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको एट ए स्पेसिफिक टाइम आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि आप डिलीवरी एजेंट ले सकते हो, जोमेटो या स्विगी से आप कोई फूड ऑर्डर किए हो और आपको ऐसे एट ए स्पेसिफिक टाइम वो चीज़ चाहिए, तो आप समझ सकते हो गाइज ब्लू कॉलर वर्कर कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ को ईजी करने में। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ से जो कि ब्लू कॉलर हमारे डे टू डे लाइफ को इजी करने में हेल्प करते हैं। और गाइज अगर मैं आपको बता दूं कि ब्लू कॉलर वर्कर जो होते हैं वो स्किल्ड वर्कर भी होते हैं और अनस्किल्ड वर्कर भी होते हैं। अगर मैं बात करूं अनस्किल्ड वर्कर की, तो उनको डिप्रेस होने का जरूरी नहीं है, बस उनमें एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और गाइज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊँ, वो है मोबाइल रिपेयरिंग का। तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लेते हो, आप उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग सेक्टर में आप इजिली जॉब ले सकते हो, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया मोबाइल रिपेयरिंग का, उसके अलावा काफी सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि ब्लू कॉलर वर्कर कर सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट उनको काफी हेल्प करेगा जॉब को अचीव करने में। गाइस बोलते हैं ना कि खुद के अंदर एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए और कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपने मोरल को हाई रखना चाहिए, वो आपको बूस्ट करेगा अपने जॉब को अचीव करने में। तो गाइस हम अपने आसपास से भी मोटिवेट हो सकते हैं, जैसा कि एक चाय वाला से पीएम बन सकता है और एक कूली से आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि काफी सारे रिजेक्शन के बाद भी हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।